दोस्तों नमस्ते, मैं तुषार गिटार गाने में मैं आपका स्वागत करता हूँ। किशोर दा का बहुत ही फेमस गाना है, आज ये लेसन करेंगे हम लोग। चार कॉर्ड से फोर कॉर्ड का गाना है दोस्तों, और आसान सा स्ट्रमिंग पैटर्न है। एफ शार्प माइनर ओरिजिनल की है, एफ शार्प माइनर में ही गाना करना पड़ता है, क्योंकि जो इंट्रो है वो एफ शार्प माइनर ओपन कॉर्ड में कुछ इस तरीके से। और ये एफ शार्प माइनर ओपन कॉर्ड पकड़ने के बाद में आता है, लेकिन गाने में एफ शार्प माइनर बार कॉर्ड, उसके बाद बी माइनर बार कॉर्ड, ये दो माइनर कॉर्ड, और ए मेजर और जी मेजर, ये दो मेजर कॉर्ड। एफ शार्प माइनर बी माइनर, ये दो माइनर कॉर्ड, ए मेजर ओपन कॉर्ड, जी मेजर ओपन कॉर्ड, ये चार कॉर्ड्स हो गए। कम से कम कॉर्ड्स में गाना करेंगे हम लोग। ई माइनर यूज कर सकते, ए माइनर यूज कर सकते, बहुत से कॉर्ड्स यूज कर सकते, पासिंग कॉर्ड्स यूज कर सकते, लेकिन हम लोग कम से कम कॉर्ड्स में गाना करेंगे। आसान सा स्ट्रमिंग पैटर्न है दोस्तों, देखो एकदम। डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन, डाउन डाउन अप 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 डाउन, ये स्ट्रमिंग पैटर्न है। स्ट्रमिंग पैटर्न समझ गए, कॉर्ड समझ गए, कुछ बारीकियां ऐसे तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये ट्रिक जो है वो समझाता हूँ, आप सुनेंगे खुश हो जाएंगे, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आप नए हैं, पहली बार देख रहे, तो वो नीचे लाल बटन जो है वो दबा के सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब लिखा हुआ, और बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट ऑल के साथ में, ताकि मैं कोई गाना आपके लिए अपलोड करूँ या कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए अपलोड करूँ तो उसका इमीजिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ करेंगे, ओके। तो जो ग्लिच है या जो कुछ भी ट्रिक है वो इतनी सिंपल है, ऐसे तो ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, ये प्रोग्रेशन का ही कमाल है। शुरुआत होता है एफ शार्प माइनर पे, झिंगारी कोई भड़के, उसके बाद ट्रैवल करता है कॉर्ड अपना बी माइनर पे, तो सावन उसे, उसके बाद ए मेजर पे, बुझाए, ए मेजर पे ही कंटिन्यू, सावन जो अगन, जी मेजर पे आते, लगाए उसे कौन बुझाए, एफ शार्प माइनर पे कंप्लीट लैंड होता है। मतलब एफ शार्प माइनर शुरू, बी माइनर, ए मेजर, जी मेजर, वापस एफ शार्प माइनर, पूरे गाने में यही सीक्वेंस है। मुखड़े में हो, अंतरे में हो, सिग्नेचर लाइन में हो, यही सीक्वेंस है, ओके, समझ गए। अब इंट्रो की बारी। इंट्रो में एफ शार्प माइनर ओपन कॉर्ड पकड़नी है, और जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये नहीं पकड़नी है, इसको खाली छोड़ना है, सिर्फ ये तीन जो एफ शार्प माइनर पकड़ते हैं हम लोग यही पकड़ना है, और कुछ इस तरीके से, फाइव स्ट्रम फोर थ्री टू, फाइव स्ट्रम फोर थ्री टू, ये स्ट्रमिंग, ये इंट्रो है दोस्तों। फाइव स्ट्रम फोर थ्री टू, फाइव स्ट्रम फोर थ्री टू, ये स्ट्रम जो इंट्रो का स्ट्रमिंग पार्ट है। इंट्रो हो गया, मुखड़ा हो गया, अंतरा हो गया, डिटेल आप समझ गए। अब शुरू करते हैं गाना। गाना भी आप ध्यान से देख लो, कुछ गलतियां होती है तो भी आप रेक्टिफाई करके आप अपना सुधार कर सकते। मैं कोशिश तो करूंगा। किशोरदा का गाना है, प्यारा है, मुझे भी पसंद है। शुरू करते सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगे आखिर में अच्छा लगे तो लाइक करते जाना दोस्तों, ओके। चलो शुरू करते। उसे कौन खिलाए, ओ
कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का, कोई दुश्मन ठेस लगाए, कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, हो उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है ना पीते तो मर जाते, दुनिया जो प्यासा रखे, दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। चिंगारी चिंगारी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।